अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल पेंडुलम वेव मोशन एंड साउंड, इस चैप्टर का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी पार्ट डिटेल में बताए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा, जो कि एक न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि 500 हर्ट्ज आवृत्ति एवं 80 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य की एक ध्वनि तरंग को 1 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा, यानी हमें यहां पे समय ज्ञात करना है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपकी अरिहंत की बुक का नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फिजिक्स के पेपर में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी बुक से नहीं आते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना होगा, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे दी गई है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आवृत्ति पता है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो n की वैल्यू हमें यहां पे कितनी दी गई है, 500 हर्ट्ज, ये हमें दी गई है। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा आवृत्ति n इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है 500 हर्ट्ज, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर उसके बाद हमें यहां पे 80 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य लिखी हुई है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यानी हमें यहां पे तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ लैम्डा, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 80 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है, इसको हमें मीटर में चेंज करना होगा। जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 अपॉन में 100 से हम डिवाइड कर देंगे, ये मीटर में चेंज हो जाएगी। तो देखिए सेंटीमीटर से मीटर में आपको चेंज करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा की वैल्यू हमें दी गई थी 80 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर इसको हमने चेंज किया मीटर में, तो 80 और 100 से हमने यहां पे डिवाइड कर दिया, मीटर में आपका चेंज हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में, यानी दूरी S हमें कितनी दी गई है, यहां पे S की वैल्यू हमें यहां पे 1 किलोमीटर दी हुई है, ठीक है, 1 किलोमीटर। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 1 किलोमीटर मैंने यहां पे लिखा दूरी, और 1 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर आपका 1000 मीटर होता है, ठीक है। फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया यहां पे कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा, समय हमें यहां पे निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें यहां पे एन की वैल्यू पता है, लैम्डा पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे वेग निकालेंगे। क्या करेंगे, वेग निकालेंगे, तो वेग v इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है n लैम्डा। ये फॉर्मूला मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, v इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। तो देखिए v इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 500 हर्ट्ज, यानी आवृत्ति हमें दी गई है 500 रखेंगे n की जगह, लैम्डा की वैल्यू 80 सेंटीमीटर दी थी, हमने मीटर में चेंज की तो 80 और बटे में 100 आ गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे, देखिए ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0, अब 50 × 8 यानी 50 की मल्टीप्लाई 8 में करवाएंगे तो क्या मिलेगा, 400 और मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि अभी हम वेग निकाल रहे हैं। तो वेग हमने निकाल लिया है, वेग निकाल लिया, 400 मीटर पर सेकंड आया। अब हम समय यहां पे बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, जब तक वेग नहीं निकलता तब तक हम समय नहीं निकाल पाते। वेग निकला, 400 मीटर पर सेकंड आया, अब हम समय निकालेंगे। तो देखिए समय बराबर दूरी और बटे में वेग आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी कितनी है, देखिए दूरी 1 किलोमीटर हमें दी गई थी जिसको हमने मीटर में चेंज किया 1000 मीटर,
ठीक है, तो देखिए 1000 रखा दूरी की जगह, और वेग, वेग हमने कितना निकाला 400 मीटर पर सेकेंड, रखते हैं यहाँ पे वेग की जगह 400 को रख दिया। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 10/4 है। जब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो 2.5 सेकेंड में आपका आएगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2.5 सेकेंड, यही यहां पे समय की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 2.5 सेकेंड कहां पे दिया हुआ है। तो 2.5 सेकेंड आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। और ये कहेंगे कि ये क्वेश्चन मेरी बुक का नहीं है इसीलिए मैं नहीं लगा पाया, तो ये कोई बहाना नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन अपनी बुक से बहुत ही कम मिलते हैं फिजिक्स में, ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो सॉल्व करने पर हमें लास्ट में क्या मिला, 2.5, और सेकंड में क्यों आया ये भी मैं आपको समझा देता हूं कि क्यों ये सेकंड में ही आपका आया। क्योंकि देखिए यहां पे दूरी आपकी 1000 मीटर में थी, ठीक है, मीटर में थी, और फिर इसके बाद जो वेग आपका था 400 मीटर पर सेकेंड आपका आया हुआ था। ठीक है, 400 मीटर पर सेकेंड आया हुआ था, सॉल्व करेंगे मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड ही तो बचेगा, तो इसीलिए आपका 2.5 सेकेंड में आया हुआ है। क्योंकि देखिए ऑप्शन में आपका मिनट भी दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन सेकेंड में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है। यदि तरंग की तरंग दैर्ध्य 10 मीटर हो तो तरंग का वेग होगा, हमें यहां पे वेग ज्ञात करना है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 यानी लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको अपनी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूं, टोटली अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा फिजिक्स पढ़ते समय। फिजिक्स पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन को रटिएगा नहीं। अगर क्वेश्चन को रटेंगे तो परेशान हो जाएंगे। मैं देखता हूं क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो बुक के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं यहां पे क्वेश्चन रखता नहीं हूं सामने, तुरंत आंसर करने लग जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं क्वेश्चन को रट लेते हैं, न्यूमेरिकल्स को याद कर लेते हैं, तो ऐसा काम मत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा, नहीं तो फिर फिजिक्स के पेपर में आपको बहुत परेशानी होगी। तो देखिए ये आपका पूछा गया पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें यहां पे क्या-क्या चीजें दी गई हैं ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहां पे तरंगों की संख्या हमें दी गई है, कितनी है, 54 तरंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लिखा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे तरंगों की संख्या इज इक्वल टू हमें कितनी दी गई है, 54 दी गई है। क्योंकि यहां पे लिखा है क्वेश्चन में कि एक प्रेक्षक समुद्र किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है, यानी जो तरंगों की संख्या है वो कितनी दी गई है, हमें 54 दी गई है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में कि यदि तरंग की तरंग दैर्ध्य 10 मीटर हो, ठीक है, 10 मीटर ये हमें दिया गया है, यानी प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्ध्य हमें कितनी दी गई है, 10 मीटर दी गई है। ठीक है, ये हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे कुल तरंग दैर्ध्य निकालेंगे। तो कुल तरंग दैर्ध्य कैसे निकलेगी, कुछ नहीं करना, जो तरंगों की संख्या 54 दी गई है ये, और प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्ध्य 10 मीटर, तो 54 गुणे 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 540 मीटर, यही कुल तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। तो कुल तरंग दैर्ध्य हमें कितनी मिल गई, यहां पे 540 मीटर मिल गई। ठीक है, अब यहां पे समय कितना दिया गया है, समय हमें कितना दिया गया है, तो ये देखिए यहां पे लिखा है कि एक प्रेक्षक समुद्र किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट, प्रति मिनट इसका मतलब समय हमें कितना दिया है, एक मिनट दिया है, जिसको हम चेंज करेंगे सेकंड में तो 60 सेकंड हमें मिलेगा। ठीक है, यानी समय कितना दिया गया है, कुल लिया गया समय हमारा है यहां पे 60 सेकंड। ठीक है, हमें वेग निकालना है, तो अतः वेग बराबर आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में टी हो जाएगा। तो देखिए लैम्डा की वैल्यू, कुल तरंग दैर्ध्य हमारी कितनी निकली थी, 540 निकली थी ना, लैम्डा की जगह रखेंगे 540 और टी
समय हमें कितना मिला हुआ था, समय 60 सेकंड ना क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो 60 ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, यानी 9, और वेग निकाल रहे हैं तो मीटर पर सेकंड में आपका आएगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 9 मीटर पर सेकंड यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दो क्वेश्चन मैंने आपको भी दिखाए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपका आया हुआ था 2019 में, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन अपनी बुक में नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसे भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको अपनी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला पता है, तो आप क्वेश्चन को लगा देंगे, और अगर आप क्वेश्चन को रटेंगे तो आपको परेशानी होगी, पहले ही मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन अनुदैर्य तरंग का उदाहरण है। चार ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी पार्ट को डिटेल में पढ़ा है वो इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 2 सेकंड के अंदर कर देंगे, क्योंकि थ्योरी पार्ट में ये मैंने आपको बताया हुआ है, यहां पे आपको तुरंत आंसर पता चल गया होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी वायु में ध्वनि तरंगे, मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही बताया हुआ था। तो निम्न में से कौन अनुदैर्य तरंग का उदाहरण है, तो वायु में जो ध्वनि तरंगे हैं ये अनुदैर्य तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको थ्योरी पार्ट इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ था ताकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें ना तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहां पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती है। यहां पे नहीं की बात हो रही है। चार ऑप्शन आपके दिए गए, ऑप्शन ए दिया है हवा में अवरक्त तरंगे, ऑप्शन बी दिया है निर्वात में अवरक्त तरंगे, ऑप्शन सी दिया है स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न तरंगे। तो देखिए ये वाला ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती, तो देखिए जो ये है स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न तरंगे, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यहां पे क्या है, क्वेश्चन है कि निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है। क्या पूछा गया आपसे कि निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग रेडियो तरंगे, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको आवृत्ति वाला कॉन्सेप्ट और तरंग दैर्ध्य वाला कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी पार्ट में डिटेल में बताया हुआ था। अब यहां पर रेडियो तरंगे ये ही क्यों करेक्ट हुआ ये मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए जो रेडियो तरंगे हैं, ठीक है, रेडियो तरंगे जो इनकी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य इनकी होती है 10^5 से 10^-1 मीटर तक, ये इनकी तरंग दैर्ध्य होती है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी, ठीक है, अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी। तो देखिए इन तीनों ऑप्शन में जो रेडियो तरंगे हैं इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, जब इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सबसे कम ही तो होगी, यही तो मैंने आपको बताया हुआ था। देखिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, मैंने आपको बताया था दीर्घ तरंगे, ठीक है, क्या बताया हुआ था, दीर्घ तरंगे, ये मैंने आपको बताया हुआ था थ्योरी पार्ट में कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, दीर्घ तरंगों की होती है। कितनी होती है, 10^7 से, ठीक है, 10^3 मीटर तक, ये मैंने आपको बताया हुआ था। तो देखिए जो दीर्घ तरंगे होंगी इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये सबसे कम होगी, आवृत्ति सबसे कम हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं दीर्घ तरंगे दिया है, दीर्घ तरंगे तो दिया ही नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद की रेडियो तरंगे ये वाला ऑप्शन आपका दिया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जो दीर्घ तरंगे होती है ना
इनको हम दीर्घ रेडियो तरंगे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ रेडियो तरंगे भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, दीर्घ तरंगे या फिर दीर्घ रेडियो तरंगे, ये तो लिखा नहीं हुआ था, लिखा हुआ था हमारा रेडियो तरंगे, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, थ्योरी में मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है। अब बार बार मैं वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन हमारे फिर आगे सॉल्व नहीं होंगे जल्दी, क्योंकि इस चैप्टर में काफी क्वेश्चन आपके हैं तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे आंसर्स बता दे रहा हूं। और उसके बाद देखिए, थ्योरी पार्ट में मैंने आपको सभी कॉन्सेप्ट बताए हैं, वहां पे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है कि सरल लोलक के लिए L व T के बीच ग्राफ होगा। देखिए, सरल लोलक के लिए L व T के बीच ग्राफ होगा, चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए, मैं आपको ग्राफ बना के पहले दिखा देता हूं, ठीक है। ये ग्राफ मैं बना देता हूं, देखिए मैं लिखता हूं यहां पे L, ठीक है, और ये मैं यहां पे लिख देता हूं T स्क्वायर, यहां पे रहेगा, क्यों रहेगा अभी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, यहाँ पे L क्या है, L यहाँ पे लोलक की लंबाई है, ठीक है, और जो ये T स्क्वायर है ये क्या है, ये आवर्त काल का वर्ग है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, सरल लोलक की लंबाई L तथा आवर्त काल के वर्ग T स्क्वायर के बीच बना ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में, एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे हमें मिलता है। तो ये देखिए, ये ग्राफ मैंने यहां पे बना दिया। तो देखिए, सीधी रेखा आपका कहां दिया है, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। और अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है, ये याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए एक ट्रिक होगी। देखिए, एल व टी लिखा है, एल में ला का साउंड, ठीक है, ले इसका, और टी में टा का साउंड, लेट, देखिए लेट का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति लेटता है, ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति लेटता है वो कैसे लेटता है, सीधे ना, सीधे ही तो लेटेगा। तो आप ऐसे इस ट्रिक से अंदाजा लगा सकते हैं, जब भी कोई व्यक्ति लेटता है, आराम करता है, तो सीधे सीधे लेटेगा ना, सीधे लेटेगा। अब ऐसे कोई किसी भी तरीके से लेट सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे ट्रिक बनानी है, तो यहाँ पे सीधे, ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीधी रेखा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थ्योरी पार्ट में भी मैंने आपको बताया हुआ है, जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी नहीं पढ़ी है जाके पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाए। अब देखेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक तरंग की आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी एन इज इक्वल टू हमें कितनी दी गई है, एन इज इक्वल टू 120 हर्ट्ज, ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद देखा कि यदि तरंग की चाल, तरंग की चाल v इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, 480 यानी 480 मीटर पर सेकेंड हो, तो तरंग की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा की वैल्यू हमें यहां पे निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, लैम्डा इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वी अपॉन एन, क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एन हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो फॉर्मूला हमारा वी इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, लेकिन लैम्डा निकालना, तो लैम्डा देखिए, लैम्डा को आगे ले आएंगे और वी अपॉन एन आपका हो जाएगा, ठीक है, वी अपॉन एन हो जाएगा। तो वी की वैल्यू कितनी दी है हमें, 480 मीटर पर सेकेंड, और एन की वैल्यू 120 दी है, तो ये 0 से 0, 12 वन जै 12 और 12 फोर आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो 4 आएगा, और किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है, तो 4 मीटर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां दिया है 4 मीटर, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, ठीक है। देखिए, अभी मैं आपको इस चैप्टर के बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड जो मैंने आपको कराया अभी, वो आपका बेसिक लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपको कराया हुआ था, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला पहला क्वेश्चन, और जो दूसरा क्वेश्चन कराया था, ये आपका बेसिक लेवल का नहीं, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो अदर क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, अभी हमारे ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। देखिए, इस चैप्टर में आपके 60 प्लस क्वेश्चन दिए हैं, तो सभी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आने को, इस चैप्टर से आपका केवल 2 क्वेश्चन आएगा, तो 60 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उसी को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि दो तरंगों की आवृत्तियों में 1:2 का अनुपात है, यानी 1:2 का अनुपात है, तो उनके आवर्त काल में अनुपात होगा, ये हमसे पूछा गया। देखिए, दो तरंगों की आवृत्तियों, दो तरंग है उनकी आवृत्तियां मैं क्रमशः N1 और N2 मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि आवृत्ति को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, हमें यहां पे दो तरंगों की आवृत्तियों में अनुपात कितना दिया है, N1:N2 हमें कितना दिया है, 1:2 दिया गया है। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि उनके आवर्त काल में, तो देखिए दो तरंगे हैं तो उनका आवर्त काल हम क्रमशः T1 और T2 मान लेते हैं, तो हमें यहां पे T1 और T2 इसी का रेशियो यहां पे निकालना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो ट्रिकी मेथड है और एक है लेंथी मेथड। तो देखिए, अभी मैं आपको दोनों बताऊंगा, जो आपको पसंद आता है उसी के हिसाब से अपना क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है N=1/T, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। N=, क्या होता है, 1/T होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं N व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/T के। ध्यान रखिएगा, N व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/T के, ध्यान रखिएगा। यानी जो N का मान होगा, N का जो मान होगा उसी के अपोजिट आपका T का मान होगा। तो देखिए, यहां पे तरंगों की आवृत्तियों में अनुपात कितना दिया है, 1:2 दिया है ना आवृत्तियों में, यानी N1:N2 हमें कितना दिया है, ये हमें दिया है 1:2। तो देखिए, जो N का मान है उसी के अपोजिट आपका T का मान होगा, क्योंकि N व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/T के। जब N1:N2 का मान 1:2 है तो आपका T1:T2 का मान क्या हो जाएगा, जस्ट इसी का अपोजिट, यानी 2 आएगा आगे और 1 जाएगा पीछे, 2:1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारा है आसान मेथड, 2:1, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लेंथी मेथड भी मैं आपको चलिए समझा देता हूं। तो देखिए, हमारा फॉर्मूला होता है N=1/T होता है, ठीक है। N=1/T होता है, मैंने आपको क्या बताया कि N व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/T के, ठीक है। तो हमें यहां पे N1/N2 इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 1:2 दी गई है, तो हम यहां पे लिखेंगे N1/N2 तो 1/2, और हमें निकालना है T1/T2, इसी को हम निकाल लेंगे तो अभी हमें रेशियो पता चल जाएगा, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए N1/N2 = क्योंकि देखिए आपका क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, N=1/T होता है, या फिर N व्युत्क्रमानुपाती 1/T के होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, T1/T2 है, इसको हम पलट देंगे तो T2/T1 ये हो जाएगा =1/2, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है N1/N2 की वैल्यू, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। या फिर जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए N1/N2 = T2/T1 = 1/2 है, और हमें यहां पे T1/T2 निकालना है, तो T1/T2 को निकालेंगे, तो देखिए T1/T2 निकालेंगे तो देखिए 2 ये आएगा ऊपर, क्योंकि T1 की वैल्यू यही आपकी रहेगी, और T2 की वैल्यू जो आपकी होगी ये नीचे आ जाएगी, यानी 2/1, यानी 2:1 हो जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, ये मेथड एकदम, ये वाला जो मेथड है ये बेकार है, ये आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो इस पे आप फोकस ही मत कीजिए। जो मैंने आपको बताया पहला मेथड, उस पे आप फोकस कीजिए। क्या है, आपको देखिए यहां पे आवृत्तियों का अनुपात दिया था, मैंने आपको क्या बताया, N=1/T फॉर्मूला, तो N जो आपका होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/T के, यानी जो N का मान होगा ठीक इसी के अपोजिट T का मान। तो देखिए यहां पे आवृत्तियों में अनुपात 1:2 दिया था, तो क्या करेंगे, इसी का अपोजिट कर देंगे, 2:1 यहां पे हो जाएगा, बस सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, क्या फायदा अपना टाइम वेस्ट करने का। तो यहां पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और वैसे भी एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप यहां पे बेसिक मेथड से लगाएं, तो बेसिक मेथड को इसको आप जाने दीजिए, ठीक है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है, यहां पे आपको यहां पे बेसिक मेथड नहीं समझना है, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं हम यहां पे, आप जो पहला मेथड बताया उस पे आप फोकस कीजिए, वैसे आप आसानी से लगा पाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती है वायु में, जल में, केवल जल के तल पर, या फिर केवल ठोसों में तथा जल के तल पर। तो देखिए, मैंने आपको
थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवल ठोसों में तथा जल के तल पर, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है वो सब आंसर को कर पा रहे होंगे बड़े आसानी से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ये आपको बताना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देख के ही बता देंगे। देखिए रेडियो तरंगे ये तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, प्रकाश तरंगे भी, गामा तरंगे भी, बचा क्या, पराश्रव्य तरंगे, ठीक है, जो पराश्रव्य तरंगे हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। देखिए जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं ये ध्वनि तरंगों का एक प्रकार है, आप सबको पता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 यहां पे, कि एक इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड, यानी कैपिटल टी की वैल्यू कितनी दी गई है, मैं ऊपर यहां पर लिखता चल रहा हूं, क्या दी है, 0.05 माइक्रोसेकेंड दी है, ठीक है, ये माइक्रोसेकेंड दी है, तो सबसे पहले इसको हमें सेकेंड में चेंज करना होगा, तो सेकेंड में चेंज करेंगे तो 0.05 इंटू 10^-6 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि एक माइक्रोसेकेंड बराबर आपका 10^-6 यानी 10^-6 सेकेंड होता है, ये मैंने आपको मेजरमेंट वाले चैप्टर में बताया हुआ है, मापन वाले में, तो इसी के बेसिस पे हमने इसको यहां पे चेंज किया, तो 0.05 इंटू 10^-6 सेकेंड ये कैपिटल टी की वैल्यू दी गई है। फिर हमसे पूछा गया कि उसकी आवृत्ति यानी एन फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, ये हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकालना है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, n इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/T होता है, यही तो होता है, तो 1 तो आपका ऐसे ही रहेगा और t हमने चेंज किया था तो हमें क्या मिला, 0.05 इंटू 10^-6 और सेकेंड में, यही तो सेकेंड में चेंज किया था ना, क्योंकि पहले माइक्रो सेकेंड में दिया हुआ था तो सेकेंड में चेंज किया था, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा है, पॉइंट को जब हम नीचे से यहाँ से हटाएंगे तो दो संख्या है, तो ऊपर 2 जीरो आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ेगा, सॉल्व कर लीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 0 यानी 20, और फिर देखिए ये जो 10^-6 है ऊपर जब जाएगा तो 20 × 10^6 ये आपका हो जाएगा, और कंपन पर सेकेंड, ठीक है, कंपन पर सेकेंड, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 20 × 10^6 कंपन पर सेकेंड, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा होगा, यदि प्रकाश तरंग की चाल 3×10^8 मीटर पर सेकेंड तथा आवृत्ति 5×10^14 साइकिल पर सेकेंड हो तो तरंग दैर्ध्य होगी, ये हमसे यहां पे पूछा गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस आपका क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूला रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यदि प्रकाश की तरंग की चाल मतलब v की वैल्यू हमें यहां पर कितनी दी है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, फिर इसके बाद आवृत्ति n की वैल्यू क्या दी है, 5×10^14 साइकिल पर सेकेंड, ये आपकी दी गई है, ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर हमसे पूछा गया तो तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा की वैल्यू हमें यहां पे निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू हमें यहां पे निकालनी है, तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v/n हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर हम फॉर्मूले में रखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू v/n हो जाएगा, v की वैल्यू 3×10^8 मीटर पर सेकेंड और n यानी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 5×10^14 साइकिल पर सेकेंड, ये हमें यहां पे दी गई है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो देखिए 3×10^8 ये तो ऊपर रहेगा ही और 10^14 है, इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो ऊपर आके मल्टीप्लाई में होगा लेकिन पावर आपकी यहां पे माइनस में हो जाएगी और अपॉन में आपका 5 यहां पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे 10^8 है ये प्लस में और 10^-14 माइनस में, तो देखिए यहां पे
गुणा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस मिलके माइनस यानी घाते यहाँ पे घट जाएंगे, ठीक है, घट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में है तो ये माइनस और ये प्लस में है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी लेस करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 10^8 × 10^-14 है, तो जब लेस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 10^-6, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा, ये हमें मिल गया यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अपॉन में आपका 5, ये तो रहेगा ही, ठीक है, ये तो आपका रहेगा ही। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 छोटी संख्या है, तो क्या करेंगे, मैं आपको साइड में यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, नहीं फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तब जाके यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, तो 5 × 6 = 30, यानी 0.6 हमें मिलेगा, ठीक है, 0.6 यहाँ पे मिलेगा, यानी जब इससे डिवाइड करेंगे तो 0.6 × 10^-6 है, ठीक है, ये आपका है। अब यहाँ पे पॉइंट है, जब इसको हटाएंगे तो देखिए 6 × 10^-7 यहाँ पे -7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था, इसको जब हम हटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 × 10^-7, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और मीटर में आएगा, ध्यान रखिएगा किसमें, मीटर में आएगा। तो कहाँ दिया हुआ है ये आपका, ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि वायु में दो तरंगों की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात 3:5 है। दो तरंग दैर्ध्य यहाँ पे लिखा है, दो तरंगों की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात, यानी दो तरंग है और तरंग दैर्ध्यों का अनुपात लिखा हुआ है, तो λ1 और λ2 मानूंगा, ठीक है, यानी λ1 ratio λ2 हमें कितना दिया है, 3:5 दिया है। फिर हमसे पूछा गया इन तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात, यानी n1 ratio n2, ये हमें निकालना है, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए इसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल मेथड बताऊंगा, बेसिक मेथड हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, बेसिक मेथड हम बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, कि वायु में दो तरंगों की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात 3:5 है, तो इन तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा, आवृत्तियों का अनुपात हमसे पूछा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे एक रिलेशन बताने जा रहा हूं। देखिए लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती 1/n के, ये आपका होता है, ठीक है, लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती 1/n के, यानी देखिए जो लैम्डा है, जो लैम्डा की वैल्यू होगी ठीक उसी के अपोजिट आपकी n की वैल्यू होगी, ध्यान रखिएगा जो लैम्डा की वैल्यू होगी उसी के अपोजिट n की वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कि वायु में दो तरंगों की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात 3:5 दिया है, यानी λ1 ratio λ2 = 3:5 दिया है, और मैंने आपको क्या बताया, लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती 1/n के, यह आपका दिया हुआ है, ठीक है, यानी देखिए जो लैम्डा की वैल्यू है ठीक इसी के अपोजिट n की वैल्यू होगी, तो हमसे आवृत्तियों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो n1 ratio n2 हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 5 आएगा आगे, 3 जाएगा पीछे, यानी 5:3, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां दिया है, यह आपका दिया है ऑप्शन बी में, सवाल आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर आप बेसिक मेथड लगाएंगे तो देखिए ये नीचे बेसिक मेथड मैंने लगाया हुआ है, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं, इसलिए मैं आपको ये बता भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, बेसिक मेथड मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ क्योंकि इसका कोई काम भी नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। देखिए क्या कि लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती 1/n के होता है, ये आपको ध्यान रखना है, अगर ये आपको पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अभी सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमें और देखने को मिलेगा, यहाँ पे आवृत्तियों का अनुपात पूछा हुआ है ना, अभी आगे हमसे तरंग दैर्ध्यों का अनुपात पूछेगा आवृत्तियों का अनुपात देके, तब भी हम इसी का यूज करेंगे, अभी आगे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्लियर हो गया होगा, 5:3 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन यहां पे है कि एक रेडियो प्रसारण केंद्र से 40 MHz की विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रसारित होती हैं। यदि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल 3×10^8 m/s हो तो इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य होगी, यानी लैम्डा हमें यहाँ पे निकालना है। तो क्या क्या चीजें हमें दी गई, सबसे पहले हमें दिया गया कि एक रेडियो प्रसारण केंद्र से 40 MHz की विद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ पे प्रसारित होती, यानी वी की वैल्यू, देखिए v की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी गई है, v की वैल्यू हमें 3×10^8 m/s, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना यदि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल मतलब v की वैल्यू 3×10^8 m/s हमें दी गई है। और फिर इसके बाद यहाँ पे
हमें आवृत्ति कितनी दी गई, फ्रिक्वेंसी। तो देखिए एक रेडियो प्रसारण केंद्र से 40 मेगा हर्ट्ज, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी गई है। तो n इज इक्वल टू हमें कितनी दी गई यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 40 मेगा हर्ट्ज। अब देखिए 40 मेगा हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज बराबर आपका 10^6 हर्ट्ज होता है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो 40 मेगा हर्ट्ज इसको चेंज करेंगे हर्ट्ज में तो क्या हो जाएगा, 40 और गुणे 10^6 हर्ट्ज इसमें आपका चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मेगा हर्ट्ज को हम हर्ट्ज में चेंज करेंगे, तो 40 × 10^6 हर्ट्ज चेंज हो गया ना आपका यहाँ पे, और हमें यहाँ पे तरंग दैर्ध्य होगी यानी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिक फॉर्मूला आपका होता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये आप सबको पता है, लेकिन हमें यहाँ पे लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एन हो जाएगा। वी की वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे 3×10^8, ये वी की वैल्यू, और एन की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 40 मेगाहर्ट्ज को चेंज किया था हर्ट्ज में, तो 40×10^6 ये हमें मिला हुआ था। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 3×10^8 ये आपका ऊपर है ही, ये 10^6 इसको ऊपर भेजेंगे, जब ऊपर भेजेंगे तो घात आके यहाँ पे निगेटिव में हो जाएगी, यानी 10^-6 हो जाएगी, और नीचे आपका यहाँ पे 40 ये तो रहेगा ही। अब देखिए 10^8 × 10^-6 है, सॉल्व करेंगे प्लस माइनस मिलके माइनस घाते आपकी यहाँ पे जो है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10^2, वो भी प्लस में। क्यों प्लस में, क्योंकि प्लस का साइन जो प्लस की पावर है यहाँ पे बड़ी है, ध्यान रखिएगा। तो क्या मिलेगा 10^2, यानी जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा यहाँ पे तो अब हमें क्या मिल जाएगा, अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा 10^2 और अपॉन में 40 तो आपका रहेगा ही। अब देखिए 3×10^2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10×10 ये लिख सकते हैं, और अपॉन में 40 आपका है ये है। अब देखिए ये 10×1 = 10 और 10×4 = 40 आपका होता है, ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब ऊपर क्या बचा, 3×10 यानी 30 और नीचे बचा आपका यहाँ पे 4, जब आप डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 7.5 और मीटर में, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ दिया है 7.5 मीटर, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.5 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अभी मैंने आपसे कहा था कि अभी आपको यहाँ पे आवृत्तियां दी जाएंगी और तरंग दैर्ध्य का अनुपात पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ चुका है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि वायु में दो तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 4:3 है, तो इनकी तरंग दैर्ध्यों का अनुपात होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मात्र आपका ये 2 सेकेंड का क्वेश्चन है। एन व्युत्क्रमानुपाती 1/λ के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, जो n की वैल्यू है ठीक उसी के अपोजिट आपकी यहां पे लैम्डा की वैल्यू होगी। तो यहां पे वायु में दो तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात यानी n1:n2 = 4:3 ये हमें दिया गया है। फिर हमसे पूछा गया कि इनकी तरंग दैर्ध्यों का अनुपात यानी λ1:λ2 ये हमें निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, n व्युत्क्रमानुपाती 1/λ के, जो n की वैल्यू है ठीक इसी के अपोजिट आपकी लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो जब n1:n2 आपका 4:3 है तो λ1:λ2 क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट यानी 3 आएगा आगे 4 जाएगा पीछे यानी 3:4 कहां दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर आपको बेसिक मेथड सीखना है तो आप सीख सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं बेसिक भी बता दूंगा लेकिन कोई फायदा होगा नहीं। अगर इसी क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से लगाएंगे एग्जाम में ना तो कम से कम आपका 3 मिनट जाएगा, ध्यान रखिएगा 2 से 3 मिनट आपका जाएगा। और वैसे भी आप जो आपका टाइम रहता था पहले 3 घंटे का पेपर में, उसे कम कर दिया गया है 2.5 घंटे का। तो मुझे लगता है आपको यही मेथड यूज करना चाहिए, बेसिक पे नहीं जाना चाहिए, अगर जाएंगे तो आप ही परेशान होंगे, आपकी मर्जी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम है। देखिए तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ हमसे पूछी जा रही, किसकी यहां पे अधिकतम होगी, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, रेडियो तरंग और एक्स किरण। जाहिर सी बात है रेडियो तरंग की होगी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूरा टॉपिक
पूरा टॉपिक मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, जाके थ्योरी पढ़ लीजिएगा, जो आंसर अभी मैंने आपको बताया है तुरंत समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। और अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से आपको समझ में आएगा कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती, मैंने आपको सब बताया हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कि दैशिक संकेतों के लिए प्रयुक्त होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था थ्योरी पार्ट में। ऑप्शन ए पराश्रव्य तरंगे, ऑप्शन बी अपश्रव्य तरंगे, ऑप्शन सी श्रव्य तरंगे और ऑप्शन डी अप्रग्रामित तरंगे, ये आपका दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। दैशिक संकेतों के लिए प्रयुक्त होती हैं पराश्रव्य तरंगे, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पराश्रव्य तरंगों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। और देखिए इन तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है पराश्रव्य तरंगों की, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यह भी मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज होती है या फिर इससे अधिक होती है या फिर इससे कम होती है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है जो ये पराश्रव्य तरंगे हैं, ठीक है, इनका उपयोग गठिया रोग तथा मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने में भी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे, सब मैंने आपको थ्योरी में बता दिया है। पार्ट टू में मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया, जाके पढ़ लीजिएगा। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आज की इस वीडियो में मैं आपको 18 क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ, फिर इसके बाद हम मंडे को, ठीक है, मंडे को क्लास होगी क्योंकि कल संडे है, तो संडे को मैं क्लास लूंगा नहीं, संडे को आप लोगों की छुट्टी रहेगी। तो जब मंडे को पढ़ाऊंगा ना, तो इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके मॉडरेट लेवल के होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि एक कंपित कण का आवर्त काल 0.01 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति होगी यानी फ्रिक्वेंसी होगी, ये हमसे पूछा गया। देखिए टाइम पीरियड हमें दिया है, आवर्त काल कितना दिया है 0.01 सेकेंड दिया हुआ है, ये आवर्तकाल हमें दिया गया है। फिर हमसे पूछा जा रहा है आवृत्ति यानी n की वैल्यू हमसे यहां पे पूछी आ रही है। तो देखिए फॉर्मूला सिंपल सा आपका होता है, n इज इक्वल टू आपका क्या होता है 1/T होता है। तो देखिए 1 तो आपका ऐसे ही रहेगा, आवर्तकाल 0.01 सेकेंड दिया है। जब देखिए इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो दो संख्याएं यानी 0 और 1 है, तो ऊपर आपका 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी क्या केवल बचा 100 और बटे में 1 है, तो 1 का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 100 और कंपन पर सेकेंड, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, 100 कंपन पर सेकेंड, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 18 क्वेश्चन कराए हैं। ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कराया है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा और सब क्वेश्चन तो आपकी बुक में ये सब दिए ही हुए हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पहले से ही पढ़ा होगा, तो एक बार यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन सब क्वेश्चंस की। 18 क्वेश्चंस आज मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, इससे पहले मैंने आपको ये चैप्टर 2019 में पढ़ाया हुआ था, ठीक है, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है और थ्योरी पार्ट भी डिटेल में मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। तो आज यहाँ पे 18 क्वेश्चन करा दिए, जो कुछ बचे क्वेश्चन होंगे अगले 2 पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, फिर इसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा 60 क्वेश्चन से ज्यादा आपकी बुक में दिए गए हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि इन्हीं 60 को ही अच्छे से रट लिया जाए और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, अगर फिजिक्स का पेपर रट के देने जाएंगे तो आपको परेशानी होगी, तो इसीलिए फिर से कहता हूं कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। बस आपको जो फॉर्मूले बताए हैं वो पढ़ना है, थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन आपका वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।